गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट के खतरनाक ग्राफिक्स में। एंड गाइस आज के इस वाले एपिसोड में मैं बिल्ड करने वाला हूँ एकदम खतरनाक वाला आयरन फार्म। तो बिना किसी देरी के भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आयरन फार्म बिल्ड करने के लिए हमको चाहिए आई थिंक कोबलस्टोन चाहिए। बस बहुत सारे है गाइस, मैंने बहुत सारे माइन के किया था। तो मैंने नेदर भी जा चुका हूँ, मेरा पोर्टल कहाँ है एक मिनट गाइस। तेरे मेरा पोर्टल, अच्छा ये रहा गाइस। अभी मैंने इसको लिट नहीं किया है फ्लिंट एंड स्टील से। जब मैं इसको फ्लिंट कर दूंगा ना तो ये हम जा पाएंगे नेदर, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि गाइस लास्ट टाइम जब मैंने इसको लिट किया था ना तब एक क्या बोलते हैं उसको हॉकलिन बाहर आ चुका था, बहुत दिक्कत हो गई थी। लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बनाना आयरन फार्म। इसको हटाना पड़ेगा यार, मेरे पास शवल है ना, एक मिनट देखते हैं ना शवल किधर है। गाइस आप कमेंट सेक्शन में इसका नाम भी लिख दीजिएगा कि मैं इसको क्या नाम दूं। बहुत अच्छा नाम सजेस्ट कीजिएगा गाइस। एंड ये हाई अभी मैं गिर जाता ओके गाइस यहाँ पे बनने वाला है अपना आयरन फार्म। तो देखते हैं कैसा बनता है।
ओके गाइस, अपना जो आयरन फार्म का बेस है ना तैयार हो चुका है एंड अब बारी है क्रिएटिव मोड यूज करने का। एंड आप लोग सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए गवर्नमेंट ब्लॉक ताकि वो आयरन गोलम को स्पॉन कर पाए। एंड मैं एक और बात बता दूँ, ये मैं कमेंट ब्लॉक इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने नॉर्मल आयरन फार्म बनाया था ना तो वो काम ही नहीं किया, क्यों पता नहीं। तो मैंने सोचा दैट मैं कमेंट ब्लॉक से बना दूंगा, तो देखते वो काम करता है कि नहीं।
गाइस, आज मैं इस मैप को दिखाऊंगा गाइस कैसे वाटर बकेट ट्रिक करते हैं, ठीक है ना गाइस। ओके गाइस, अभी मैं करूंगा वाटर बकेट ट्रिक, ठीक है ना गाइस। चलो भाई, ओके चलो। अभी नहीं, आई एम नूब।